पुलिस अधीक्षक सूरज कुमार वर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुंदर सिंह गणेश मंगलवार शाम को कंट्रोल रूम के समीप बन रहे केंट थाने के भवन परिसर का निरीक्षण करने पहुंचे। साथ ही उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया है। करीब आधे घंटे तक चले निरीक्षण के दौरान उन्होंने पूरे भवन परिसर का बारीकी से निरीक्षण किया और कुछ खामियां दिखाई देने पर संबंधित अधिकारियों को ठेकेदार से सही करवाने के निर्देश दिए हैं। जानकारी के लिए बता दें कि वर्तमान में केंट थाना टैगोर मार्ग पर संचालित है, लेकिन अब नया भवन परिसर कंट्रोल रूम के समीप बन रहा है, जिसका आज पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार वर्मा और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुंदर सिंह गणेश द्वारा निरीक्षण किया गया। इस दौरान सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार केंट थाने के नए भवन का परिसर का उद्घाटन शीघ्र हो सकता है और केंट थाना नए भवन में लगने लगेगा। इस निरीक्षण के दौरान केंट थाना प्रभारी अजय सारवान सहित कई पुलिस प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर उपस्थित रहे। आपको मालूम है कि मध्य प्रदेश शासन और पुलिस विभाग लगातार जो पुलिस का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अधोसंरचना है, उसके लगातार उसमें वृद्धि के प्रयास करती आ रही है और इसी क्रम में कई थाने नीमच जिले को सैंक्शन हुए थे, जिसमें पिछले कुछ दिनों पहले नीमच सिटी थाना और दो चौकी सरवानिया और कंजारा भी उसमें चालू किया गया था, उसका लोकार्पण हुआ था। और अभी जो दो थाने कैंट थाना और बगाना थाना, इनका कार्य भी लगभग पूरा हो चुका है और कुछ दिनों में ये हैंडओवर की स्थिति में भी आ जाएगा। तो उसी का निरीक्षण के लिए आज सभी पूरी टीम, एडिशनल एसपी साहब, आरआई साहब, थाना प्रभारी सभी यहाँ पे मौजूद हैं। एमपी पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन है, उनके स्टाफ के साथ हम लोगों ने आज ज्वाइंट निरीक्षण किया है। जो भी उसमें कुछ चेंजेस चाहिए या कुछ भी सुधार की आवश्यकता है, वो सब फीडबैक भी उनको दिया है। सर, अभी क्या कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर है इस थाने का, इंफ्रास्ट्रक्चर है, कितना मंजिला बना है, क्या क्या? ये जो थाना है ये डबल स्टोरी बना है, जैसा कि जो थानों के दो तीन तरह के डिज़ाइन है, अर्बन, सेमी अर्बन और रूरल थाने, तो ये अर्बन कैटेगरी में यहाँ पर ये बन रहा है, जिसमें सभी आप लोगों ने देखा होगा कि दो फ्लोर में महिला बैरक, पुरुष बैरक, थाना प्रभारी कक्ष, एचसीएम कक्ष, विवेचक कक्ष, सीसीटीएनएस के लिए अलग से व्यवस्था और ये सारे फरियादियों को बैठने के लिए उचित व्यवस्था, इन सभी चीज़ों का यहाँ पर अच्छा इंतज़ाम है। सर, निरीक्षण के दौरान क्या कुछ खामी लगी है? अभी ऐसे कोई विशेष खामी नज़र नहीं आई है, बट जो वर्क इन प्रोग्रेस है तो हम लोगों ने कुछ चीज़ें पॉइंट आउट की थी, जो इन एमपी पुलिस हाउसिंग के स्टाफ द्वारा बताया गया है कि वो अभी वर्क इन प्रोग्रेस है। कुछ जगह जो फिनिशिंग वर्क जो होना है और हवालात में कुछ फीडबैक हम लोगों ने दिया है, वहाँ जो गेट में जो जाली है उसको और मजबूत और उसको सकरा किया जाना है, जिससे कि कोई भी घटना की आशंका ना हो। तो इस तरह के कुछ फीडबैक दिए हैं और इन्होंने आश्वासन दिया है कि इसको जल्दी पूरा कर लेंगे। कब तक अपन मान सकते हैं थाना नए परिसर स्थानांतरित हो जाएगा? अभी तक का जो टारगेट हम लोग का है वो इस महीने के एंड तक इसको कंप्लीट करने का टारगेट है और होपफुली हम लोग उस समय सीमा में इसको पूरा कर लेंगे। सब दोनों थाने इसी महीने में चालू? अभी बगाना थाना तो हम लोगों ने निरीक्षण नहीं किया है, अभी हम लोग यहाँ से वहीं जा रहे हैं, तो वहाँ जैसा फीडबैक देंगे, अगर कोई विशेष फीडबैक नहीं होगा तो लगभग इस समय सीमा में पूरी हो जाएगी। अगर कोई फीडबैक होगा, कोई कमी होगी, तो फिर उस हिसाब से उसमें डेडलाइन दिया जाएगा।